अभी चैलेंज वास्ते भाई ने एक्सेप्ट किया है मेरे भी। अजय ठीक है, पास ही उसी कर दी। मैं दो तीन दिन प्रैक्टिस करूंगी फिर शायद हो जाए। मैं हाँ सुबार करूँ। प्रैक्टिस करोगी तो हो जाता है कुछ भी काम, ये प्रैक्टिस का है सारा कुछ। अब मम्मी मम्मी आ रहे हैं और तुम्हें क्या डांट मिलती है देख पे। पकड़ो 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 पकड़ो, छोड़ दो, इट्स ओके छोड़ दो। अभी वापस आएगी, यहाँ पे आएगी दौड़ के। राम राम सीताराम सबको। तो अभी यहाँ पे काम चल रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे, ओम चला रहे साइकिल और यहाँ पे इसको लेके जा रहे ट्रैक्टर में जो कुएं के ऊपर था वहां से। हाला जरा मार दी अभी जो डिफिकल्ट काम है वो है शिव को दवाई पिलाना। तो इसके लिए हम ना क्या करते हैं, शिव को इनकरेज करते हैं, क्योंकि जो ओम करता है वो शिव को करना होता है। तो ओम आ जाओ, ओम तुम आ जाओ पहले, ठीक है चलो आ जाओ जल्दी। वाली बहन यहाँ पे बर्तन वॉश कर रहे, मम्मी चाय बना रहे हैं, मम्मी नहीं कहीं थे, चाय बना रहे हैं और बाहू घूम रहे हैं सुबह सुबह, और पापा एंड शिव यहाँ पे, और शिव देख रहे हैं कहाँ जा रहा है ट्रैक्टर, ऐसे करके कुछ खा पी रहा है साथ साथ। फिर अभी शिव के लिए जो बेसन चिला रेडी हुआ है वो खिलाओ। चौपाई पिए जो भाई, तू नहीं तू ही नहीं पी रहा, तू नहीं पी रहा, तू जो खाली सी जो भाई पिए, जो हम भाई पिए जो पिए लो। तो बोतल देख तो नहीं पता पड़ेगी, पगे जाए जो करो का जा है। हां पी भाई, पी भाई, हां चल दी पहले, खाली हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले। बस साइकिल में हालो जाए, साइकिल में हालो, साइकिल में फूफा फूफा पीऊ थोड़ा थोड़ा करके। अभी यूज टू हो रहे बेसन चिल्ला खा रहा है शिव अभी, है ना। शिव मीनू की करे, शिव मीनू की करे, शिव मीनू की करे। खाने के बाद दूध पीने के बाद सीधा इसको पचाने का काम स्टार्ट हो जाता है, जो ओम कर रहा है और शिव भी कर रहा है, शिव का ऑटोमेटिक हो रहा है। ओम धीरे 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 भाई गिरेगा, बैलेंस करो पड़ेगा। तो यहाँ पे ना ओम के पीछे दो लोग हैं, बाहु और शिव। शिव बोल रहा है कि मेरे भाई को मत टच करो, और बाहु बोल रहा है कि मेरा ओम है। बाहु बोल रहा है कि क्या करूँ, यहाँ से शिव मार रहा है। बाहु को लगा नहीं लगा, लगा उसे बाहु था जो, शिव बाहु को देखो, शिव बाहु था जो बहुत वो मार रहा है बहुत व्हाट। सिम स्विच आ गया, मार गया। यहाँ पे ना भारती ने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है, ये जो पत्थर होता है ना हम इसको दंगड़ी बोलते, ये हेवी होती है वजन में। कर मामा आप करके दिखाओ कैसे। हम ऊपर तो जाओ, हम ऊपर जाओ, हम ऊपर
ऐसे उठानी होती है। मैं की तो नहीं मालूम पड़ी ना क्या पड़ा। आई हाँ आई हूँ। आ कौन है? आई कौन है? आई 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 आई। नहीं ना ऊपर हो? अलाव आनी है। तो अगर पास है तो ऊपर है। नहीं हो पाएगा। ऐसे उठा सकते हैं लेकिन ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा सही। इससे ऊपर क्यों करता था? ये बॉडी बिल्डिंग जैसा काम है। कारो भाई भर तीन दंगड़ी उपड़ावे मागनी नहीं हम रे नो उपड़ा कर मामा ओला सोकराव नु कोन करी है भांगी तो आगने माकी है के ई न बड़ा ई वजन वाली है ई वजन थे आ लोड ले लेवे हला ट्रिक दे रहे कारो मामा इसको ऐसे उठा लो आ है ना हम छोटी है जो मुझे फाइव टिप्स दे रहे कि वहाँ पे ना लाइट वेट वाली थी दंगड़ी है ये थोड़ी सी ज्यादा हैवी है ये नहीं उठा पाऊंगी वो तो देखा क्यों पाली आई करें उसी करवानी है उसी कर देवानी वो भी चैलेंज व्यवस्था भाई ने एक्सेप्ट किया है मेरे भी अजय ठीक करन पासी उसी कर दी मैं दो तीन दिन प्रैक्टिस करूंगी फिर शायद हो जाए मैं तो नो पड़े मैं हंस बार करूं ओके रामदेव ठा के रामदेव ठा के दिखाएगा ऊपर ही जाए ऊपर रामदेव थोड़ा ऊपर गए ओके तो मैं तुम्हारी आंटी ना के जाए मैं लूज हुई हूँ इसमें मैं एक लास्ट ट्राई करूँ ट्राई करती हूँ भगत इसको उठाओ उठा के ऊपर करो हाँ उठा के ऊपर करना है पूरा ऊपर कर दो हाँ सब स्ट्रॉन्ग है हाँ आवलो राजियो राजियो एक आते जा हम पे इमा गजब रे बड़ो ती राजिया मना आवतो जाई काटवाना वारो ने ए भाई ये अंदर तेदु वा आवतो जा तई फाट फाट तो ना 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 मैं उपाड़ दे काय हम प्रैक्टिस कर कर मामा को मैं अभी चैलेंज ही एक्सेप्ट करियो कि जब तक वो जाएंगे ना ये गौशाला रेडी हो जाएगी प्रैक्टिस करोगी तो हो जाता है कुछ भी काम ये प्रैक्टिस का है सारा कुछ तब मम्मी मम्मी आ रहे हैं और तुम्हें क्या डांट मिलती है देख माँ कारो भाई भारती भाई दंगड़ी उपड़ा हुए माँ तमी उपाड़ तो तुम्हारे ऊपर जाए कारो भाई दंगड़ी हमारे ने तो वो उपड़ा हुए के दंगड़ी वहाँ के किसी बिन्ने खबर पड़ी है तो बैठ दिए पास भारती उपाड़ में कड़ी में किसे जाए है सोकरी हाँ तो कड़ी में थे ही जाए राधे कड़ी में परखा मन हट को निकल जाए तो सिकोई ना थे जो आने तो आने तो ट्रिक हम जाओ भी रे इन्हें करवा जाजी करी रोगी तीन गाना रखने तो थक दिया तो अरे आई कर ये तो हम जाएगे आप कुनो आ रही है ना हाँ तो से आई करवा ना तो से आई अल्लाह वाले आराम थे हर ट्राई करा लास्ट टाइम पास ही काले ट्राई करी एक दिमाग नहीं ऊपर ये सब दिमाग से राम देना जो उपाय ना तो ना करी ऊपर नहीं दिमाग से तो ऊपर ना समझ में अपना बोर नहीं ना सो करा झीणी पड़ी थी पानी पिए गए ના ના ભાઈ બધી કામ કરતી હોય આ ઓલામાં ઘા કરે દંગડી ઉપાડે ઇતા સીડી સડે જતી હોય એવું શીખ રહી હતી હા લીએ પાસી તા હું શીખ રહી હતી પ્રેક્ટિસ
वहां है भगत ने माथे नाखी बस बस तो यहाँ पे भारती ने फाइनली हाफ की जो दंगड़ी है ना जो हाफ की या पत्थर है मशीन कट मशीन से इसको हाफ कर देते उसको उठाने से शुरुआत की है बहुत हार्ड है ना ये और ये पूरे दिन में ऐसे मूव करना मुश्किल काम है इसी के साथ पूरा काम होता है पूरे बिल्डिंग वर्क में पैसे बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत होती है लेकिन ये मसल्स भी बने रहते हैं इससे टमी भी कम हो जाता है और अभी ना जो लोग आ रहे हैं ना आज वो सबसे ज्यादा हार्ड काम है हाई लेवल का काम होता है मतलब बहुत ही मेहनत का लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत होती है उसमें थोड़ा सा भी आप इधर उधर हुए ना तो आपकी कमर गई और घुटनों का दर्द उसमें आगे जाके होता है क्योंकि घुटनों पे लोड आती है और वो जो काम कर रहे हैं ना अभी आएंगे वो दिखाते हैं आपको और बहुत लोग बोल रहे थे कि आपने कोलम लगाए होते तो अच्छा होता यहाँ पे हमारा दूसरी तरीके से वो है क्योंकि कोलम का क्या होता है कोलम बीच में आते तो वो जगह रोक लेते हैं मुझे चाहिए था पूरा एक और फिर उसमें डिपार्टमेंट करने थे कोलम की जगह हमने ये सीमेंट के वो लगा दिए और पूरा लोड है जो हमने रिंग बनाया है नीचे आपने देखा पहले वीडियोज में उसके ऊपर पूरा लोड जाएगा ताकि ये जब भी दीवारें अगर निकाल भी दे तो पूरा एक बन सकता है बस है आज प्रैक्टिस एक दिन आ रही होते जाए नहीं मैं जो काले के पास वाली के मान्यता हूं तो बस रोटला करवा कर व्हाट्सएप भाई ने मुझे लाइट रेड वाला दिया ट्राई करने के लिए मुझे नहीं लगता होगा मेरे से सबका काम यहाँ पे अभी चल रहा है सिवरो हाँ सिवरो अब देखते हैं ओम तुम कंट्रोल कर पाते हो बंसी को या नहीं पकड़ना दो हाथों से पकड़ना वरना भागेगी ओम अंदर जाना है तो लेके जाओ तुम आगे जाओ आएगी उसको जाना है अंदर तुम आगे जाओ हाँ तू धीरे धीरे अंदर भी हो जाए तर वहां अभी वापस आएगी यहाँ पे आएगी दौड़ के साइड में रहो आएगी अभी उसको दौड़ के जाना था ये पाए थी तो हाथ फेरे वो हफ्ते पकड़ी बंसी अगर एक बार घर में आई ना तो रोज आएगी ये यहाँ आके अगर खाना मिल गया तो फिर तो रोज आएगी ये हाथ फेरे जी તારા વિસ્કાવી એને કઈ ના થાય એ બાહુ બી વિસ્કા ભરી કાનમાં નાકમાં आए हैं दूसरे लोग आदियाना से पूरा ट्रक भर के
क्योंकि इसके ऊपर जो छत बनने वाली है इसमें हम टाइल्स डाल रहे हैं, लेकिन टाइल्स को पकड़ने के लिए ये डालने पड़ते और ये मजबूत और हेवी होते, इसमें 10 रोड होते। तो हमारा ये है कि हमारे पोरबंदर के आसपास के एरिया में क्या होता है कि एवरी मॉनसून जब होता है बरसात का टाइम, तो समुंदर किनारा होने की वजह से हवाएं चलती है, साइक्लोन आते रहते हैं, तो उसकी वजह से हम ऊपर जो गैल्वेनाइज के जो आते हैं शीट्स वो नहीं लगाते, क्योंकि जो लगाई है ना वो भी क्या होता है कि एवरी मॉनसून टेंशन रहती है कि उड़ जाएंगे या क्योंकि नीचे गिरे तो एनिमल को लग सकते हैं। विंडो दिए हैं गायों को जैसे आप देख रहे हैं, तो उसमें से हवा आएगी क्योंकि हवा भी जरूरी होती है, और गौशाला हमेशा उत्तर दक्षिण इस तरह से ही बनानी चाहिए क्योंकि सुबह की धूप और शाम की धूप गायों को मिलनी चाहिए। ये लोग आए हैं मोमेडियन मुस्लिम है आज यहाँ से, और इनका काम ही ये होता है ये चढ़ाना, क्योंकि ये 18.5 फीट की लंबाई है इसकी, ये बहुत हेवी होता है ये पूरा, तो ये ऊपर लगेंगे और फिर इसके बीच में 85 जो आती है इसको टाइल्स वो लगेगी, वो भी अभी ट्रैक्टर को भेजा लेने के लिए। बीच का जो गैप है वैसे ही रहेगा ओपन, और उसमें घूम भी सकती है गाय, हम भी घूम सकते हैं बैठ सकते हैं गायों के बीच में, ताकि चारों तरफ गाय रहेगी। स्टार्ट कर दिया ऐसे थोड़ा थोड़ा, आभा खा रही है वहाँ पे और सब गायों को भी खाना मिल रहा है, इसको कट करके दे रहे ताकि ज्यादा बिगाड़े नहीं। और ये वैसे हमारे खेत का नहीं है, हमारे रिलेटिव्स पास में राम भाई के खेत की जुआर है। पाड़ो ही की जुआर से। कट हो गया, अभी सबको मम्मा मिलेगा। ओके सो रूपी के लिए सबको खाना मिल गया, टाइगर नहीं आया। 3-4 दिन हो गए हम टाइगर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टाइगर अभी तक आया नहीं है वापस घर।